नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फेराडे के वैद्युतिक अपघटन संबंधी नियम। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो फेराडे के नियम है वो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के भी दो नियम है और फेराडे के वैद्युतिक अपघटन संबंधी भी दो नियम है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग जानेंगे फेराडे के वैद्युतिक अपघटन संबंधी नियम। दोस्तों, वैद्युतिक अपघटन संबंधी नियमों का अध्ययन करने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि वैद्युतिक अपघटन कहते किसे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा यदि कोई एक पात्र है जिसे आप लोग वोल्टामीटर कहते हो, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है। यदि इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है जैसे तनु गंधक का अम्ल या फिर जल, ठीक है, तनु गंधक का अम्ल प्लस जल का मिश्रण, ठीक है। अब इसमें यदि हम लोग विद्युत धारा गुजारें, तो ये जो विलयन है अपने आयनों में टूट जाता है। ये जो विलयन है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, वैद्युतिक अपघटन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। जब किसी अकार्बनिक या अम्लीय मिश्रण में विद्युत धारा गुजारी जाती है तो वह विलयन अपने आयनों में टूट जाता है। इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं वैद्युतिक अपघटन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसी से संबंधित जो है फेराडे ने दो नियम दिए थे। चलो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम नियम था दोस्तों, सबसे पहले अपने पास में है प्रथम नियम। यह नियम क्या कहता है कि जब किसी विलयन में धारा गुजारी जाती है, तो इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान द्रव्यमान को दोस्तों हम लोग एम से लिखते हैं। जब किसी विलयन में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से गुजारी गई धारा की मात्रा या फिर दोस्तों इसी को बोलते हैं आवेश, और आवेश का मतलब होता है दोस्तों I गुना T। धारा की मात्रा बोल दो या आवेश बोल दो या I गुना T बोल दो के समानुपाती होता है। क्या कहा दोस्तों हमने कि जब किसी विलयन में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले, या तो इलेक्ट्रोड से मुक्त होता है या फिर जमा होता है, तो इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले पदार्थ का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान एम, वो किसके समानुपाती होता है, धारा की मात्रा या फिर आवेश के। धारा की मात्रा को ही दोस्तों चार्ज या आवेश बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो है द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान वो सीधा समानुपाती है किसके, धारा की मात्रा या फिर दोस्तों आवेश कह दो या फिर दोस्तों इसे आप लोग चार्ज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो दोस्तों, चार्ज भी कह सकते हो, ठीक है। तो पदार्थ का जो द्रव्यमान है एम समानुपाती होगा धारा की मात्रा। यदि हम पहले आवेश लिखें तो आवेश क्यू, और आपको पता है दोस्तों एम जो है, ये जो क्यू जो है, एम समानुपाती क्यू, क्यू बराबर होता है I गुना T। क्यू बराबर क्या होता है, चूंकि क्यू बराबर I गुना T, राइट, ठीक है ना। अरे Q बराबर I गुना T पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, Q बराबर I गुना T, राइट।
अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मिला हमें एक समानुपाती वाला चिन्ह, ठीक है। समानुपाती वाला जहां कहीं पे भी साइन आता है दोस्तों, वहां पे समानुपाती वाला साइन हटाकर हम लोग कोई ना कोई एक नियतांक लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? नियतांक लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हम लोग समानुपाती वाला चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा जेड। क्या नियतांक आएगा? जेड, ठीक है। अब देखो दोस्तों, तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनी अपने पास में m बराबर जेड आई टी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि फेराडे का जो वैद्युतिक अपघटन नियम का पहला नियम है उसका गणितीय रूप क्या है। तो क्या है गणितीय रूप? गणितीय सूत्र है ये एक तरीके से, m बराबर जेड आई टी। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे यदि हम लोग बात करें m, तो m क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को दोस्तों किसमें मापते हैं? ग्राम में। किसमें मापेंगे? ग्राम में। नेक्स्ट है दोस्तों आई, तो आई आप सभी को पता है यार क्या है? विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा, धारा या फिर करंट। किसमें मापेंगे? एम्पियर में। किसमें मापेंगे दोस्तों? एम्पियर में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों समय, समय को दोस्तों ऑलवेज हम लोग जो है हमेशा सेकेंड में मापेंगे। किसमें मापेंगे दोस्तों? सेकेंड में। और देखिए दोस्तों यहां पर ये जो नियतांक मिला है हमें, ये जो जेड नियतांक मिला है, ये होता है दोस्तों विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो यहां पे जेड जो है वो है दोस्तों विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसे जो है इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो शॉर्ट में जो है मैं ECE लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दोस्तों इसका मात्रक होता है ग्राम प्रति कूलाम, ग्राम प्रति कूलाम। किसमें मापते हैं? ग्राम प्रति कूलाम, ग्राम प्रति कूलाम जो है इसका मात्रक है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों फेराडे का वैद्युतिक अपघटन संबंधी फर्स्ट नियम। फिर से देखो एक बार, जब किसी विलयन में से धारा गुजारी जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान मतलब m, उस विलयन में से गुजारी गई धारा की मात्रा, धारा की मात्रा का मतलब है दोस्तों आवेश। तो जो m समानुपाती होता है वो किसके होता है? q के। जो द्रव्यमान समानुपाती होता है वो गुजारे गए आवेश के समानुपाती होता है। तो m समानुपाती क्यों? q की जगह क्या लिखेंगे? आई टी। तो m समानुपाती क्या हुआ? आई गुना टी। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे जैसे ही समानुपाती वाला चिन्ह हटेगा तो उस समानुपाती वाला चिन्ह हटते क्या आता है? नियतांक आता है। अरे जैसे ओम के नियम में पढ़ा होगा, v समानुपाती आई तो v बराबर आई आर आता है कि नहीं आता? वहां पे r नियतांक आता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे m समानुपाती आई गुणा टी है, तो m बराबर जेड आई टी। जेड क्या है? यहाँ पे एक नियतांक है जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बाकी m आपको पता है द्रव्यमान है, i क्या है विद्युत धारा, t क्या है समय है, ठीक है। यस चलो लिखो इसे।